ही करो, थोड़ा सा निकालो तो भैया। भैया आज का क्लास से जो सिलेबस है उससे मैं थोड़ा सा अलग हट के बात करूंगा और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या है। मतलब अब तक जो आपने पढ़े हैं भाई साहब, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ ली यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, इसमें एरर से लेके हर एक चीज पढ़े हुए हैं। दूसरा कंडीशन की बात करेंगे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं आप। तीसरा कंडीशन आप लास्ट पोर्शन पे मोशन इन प्लेन का, एक सर्कुलर फॉर्म है उसके लास्ट पोर्शन जो आज खत्म होने वाला था, स्ट्रेंथ बहुत कम है इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा अलग करते हैं क्लास को भी, और रेगुलर की तरह नहीं पढ़ते और थोड़ा सा अलग बात करेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है और फिर बातें करेंगे। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अगर किसी ने समझा नहीं होगा भैया उस चीज को, तो आज उस चीज को हम अच्छे से समझें, ठीक है। तो हम सबसे पहला कंडीशन है आपसे ये क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, उन लोग सुनिएगा, बातें नहीं करो। आपसे हम सबसे पहला कंडीशन है कुछ चैप्टर नंबर 1 से हम पूछेंगे और भैया जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, अगर जो जवाब दे सकता है वो अपना हाथ खड़े कीजिएगा, उसके पास जाके हम पूछेंगे जरूर और आप मुझे बताएंगे। आवाज किसी के मुंह से नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन पूछे तो आप सडनली जवाब देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपको एक एक करके बता दिया जाएगा कि किस तरीके से कैसा और किस तरीके से, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिविजन भी होगा, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, सुन लो क्वेश्चन भैया, पहले ध्यान से सुनना, कुछ भी बोलने से पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से सुन लो, समझ लो, देन हाथ उठाइए कि आपको क्या जवाब, ठीक है। ठीक है भैया, अगर सपोज मान लो टोटल जितना भी क्वेश्चन हुआ, एक चीज याद रखिएगा, टोटल जितना भी क्वेश्चन हुआ यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 और 10, ये मान लो अगर पूरे क्लास में 10 क्वेश्चंस हो रहा है तो गेम खेलते भैया, इस 10 में से जिसका नाम सबसे ज्यादा है उसको प्राइज, इस 10 में से ये जो भी क्वेश्चंस का जवाब सही देगा, है ना, तो भैया उसके जगह पर उसका नाम लिखा जाएगा, है ना। अगर किसी, अगर वो क्वेश्चंस का जवाब अगर मुझे खुद देना पड़ा तो भैया वहां पर किसी का नाम नहीं रहेगा, वो ब्लैंक, ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन भैया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, याद होगा हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हुए थे, यूनिट एंड किसके बारे में बात किए थे, डायमेंशन के बारे में, याद आया कुछ, अरे याद आया नहीं, याद आया नहीं, है ना। तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन से आप लोग बताएंगे, बंद कर ले फिर मजा कैसे भैया, फिर चीटिंग करोगे तुम लोग, नहीं भाई बंद कर रहे भैया। हाँ देखिए, ये यूनिट एंड डायमेंशन में हमने एक टॉपिक का नाम है, इसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, क्वेश्चन है भैया टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने, हाथ उठाइए, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, अरे भैया आप भैया हाथ उठाए रखिएगा तभी हमको पता चलेगा, दर्द देना थोड़ा सा नीचे करो, है ना। 7 क्वांटिटी कौन कौन से, धीरे से धीरे से, आप बोले लेंथ, मास, टेम्परेचर, आपको जवाब ही नहीं देना है, पीछे कुछ लॉजिक है तभी जाके नाम मिलेगा ना, टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं दे पाए टाइम टाइम हो और आगे बोल रही मास टाइम कैल्विन टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी, सही है। चलिए आगे बोलिए,
बैठ जाइए, टाइम खत्म, वो अब खुल लगेगा। बोल टाइम टाइम आगे टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी आगे हम फंडामेंटल पूछ रहे, यूनिट नहीं पूछ रहे, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से और मीटर लेंथ क्यों बोल रहे। बोल भैया टाइम लेंथ मास टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक और जो भी हिंदी में ही बोल, हिंदी में बोल उसको क्या बोलते हैं, विद्युत नाम बोल। बैठ जाइए भैया, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने सात है आपको बताया गया था भैया। एक फंडामेंटल देख लो ध्यान से, पहले रिवीजन जिसको नहीं पता है या प्लीज सुनिए भैया, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, सात होते हैं, जिसको हिंदी में हम मूल भौतिक राशि बोलते हैं। और मूल भौतिक राशि के बारे में मैंने क्या बताया था कि भैया वो किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल बोल रहा हूँ, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसमें आपके टोटल कितने सात है, इसमें मैंने आपको बताया था लेंथ के बारे में, मास के बारे में, टाइम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और सब्सटेंस मूल मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो ये टोटल कितने है, सात है, ठीक है। अब यहाँ पर सात फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके अलावा इन सातों के अलावा जितने भी है वो सब कौन से क्वांटिटी में आएगा, चलिए दूसरा क्वेश्चन भैया, आपका दूसरा क्वेश्चन जो है मैं ये पूछने वाला हूँ, यहाँ पर सिंपल सा और आसान तरीके से बात करेंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या, अगर यहां पर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ यूनिट, क्वेश्चन सुनना भैया, सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, कितने टाइप्स के हैं और कौन कौन से, हाथ खड़े, सिस्टम ऑफ यूनिट में भैया एक दो तीन चार पांच हमारा उसका भी हाथ उठा है, हाथ नहीं है, हाथ पर चल भैया तुम्हें दोबारा मौका, एक हाँ कौन कौन से, तीन नहीं है सबसे पहली बार चार, हाँ ऐसा ही एमपीएस यूनिट क्या है, ये मैंने पहले बोला था आपको, जो टॉपिक पूछूंगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे टांगा जा सकता है, तभी आपके ऊपर नाम यहाँ पड़ेंगे, वैसे ही डायरेक्ट नहीं आ जाएगा कि आपको कितने टाइप के हैं क्या है, आप उसके बारे में पूरा मतलब निचोड़ रखिए तभी आपको पता चलेगा। यहाँ अगर नाम लाना है इसके आगे आपको उस चीज के बारे में मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा पता होगा, एमपीएस यूनिट क्या है, सिस्टम क्या है, एमकेएस किलोग्राम पाउंड, एमकेएस में पाउंड कहां से आ गया, बोलो बैठ जाइए, सुनिए बैठ जाइए, पूरा पता है क्या क्या तू क्या जाना क्या जानता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, क्या जानता है, ठीक है, LPS, FPS, MKS, CGS और SI,
नहीं बोलो था क्या बोलो ठीक बोलिए और आगे उसके बाद आराम से बोल अच्छे से बोल सही बोल रहा है लेकिन गलत लग रहा है अब नहीं अब हो गया टाइम ओवर भी है जिसको एक भैया सबका मौका है यहाँ पर इसके नाम लगाने एक बार आपको दूसरी बार लगातार मौका दे रही ये बच्चे लोग भैया हाथ खड़े किए थे पिछले बार भी मौका है आपको दूसरी बार मिलेगा बोल हाँ बोल भाई ऐसे ऐसे कर रहा हूँ चार क्या होता है भैया इसके ऊपर डिपेंड करते हैं सर इसके ऊपर डिपेंड करता है एमकेएस के ऊपर भैया जितनी भी एसआई है वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड है एमकेएस मतलब एज अ देखा जाए तो मैंने आपको समझाया था कि एमकेएस को ही हम किसके फॉर्म में रखते हैं एसआई के फॉर्म में नाम बोल चलिए मतलब सबका नाम आ जाएगा चलिए तीसरा कंडीशन ये आप लोग देखो ना भैया तीसरा कंडीशन हाँ तीसरा कंडीशन है भैया हमने आपको एक चीज और पढ़ाए हुए थे अगर मैं मोशन चैप्टर की बात करूंगा मोशन चैप्टर में एक टर्म था जिसका नाम है क्वांटिटी है ना वैसे आपको क्वांटिटी यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी बताया गया है ना और क्वांटिटी इसमें एक टाइप मैंने आपको सिखाया था वैसे पढ़ाया नहीं था इसके बारे में बहुत कम लैंग्वेज में उसको मैंने समझाया था टेंसर क्वांटिटी याद है कौन सा क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी बस उसका कोई हमें एग्जांपल बता कि टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या इसके वो हाथ खड़ा हुआ है अब क्या हुआ वहां हाथ खड़ा है अब बोलिए हम टेंसर क्वांटिटी बोल रहे हैं मैंने आपको वहां पर समझाया था टेंसर क्वांटिटी याद है कुछ यार आप देखो भैया एक होता है वेक्टर सुन लो एक होता है स्केलर सुनिएगा एक है टेंसर मैंने आपको बताया था जिसके पास डायरेक्शन होता है और क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है अरे यही दोनों होना चाहिए और स्केलर में क्या होगा भैया सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए अगर मैं टेंसर की बात करूंगा तो ये कभी भैया अब हम बता दिए था ये भैया किसके ऊपर डिपेंड करेगा या तो कभी कभी स्केलर के ऊपर या कभी कभी वेक्टर के ऊपर भैया ये है ना तो भैया वर्क एनर्जी स्केलर मैंने इसमें आपको नाम बताया था एक ऐसा अपवाद है भैया जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा वैसे देखा जाए इसके पास करंट भी का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड फिर भी उसको हम वेक्टर में नहीं रखते
लेकिन इसको एज अ किसके फॉर्म में रखा जाएगा, टेंसर। लेकिन भैया मैंने आपको समझाया था कि टेंसर क्वांटिटी के बारे में अभी नहीं पढ़ते, इसलिए विद्युत धारा को हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बताया था कि नहीं होता है ना, ये चीज समझिए ध्यान रखिए। ये खाली रहा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन से भैया, कोई मुझे तीन डेफिनेशन बताएगा, सुन लो, मुझे आप लोगों में से कोई तीन डेफिनेशन बताएगा तीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, बात करेगी। और आपको एक नहीं, एक दो और तीन, ये तीन डेरिवेटिव बता रहा, तीन बता रहा है। हाँ, कोई दिक्कत और कोई कोई नहीं भैया। अरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको कितने टर्म टॉपिक लिखवाए थे भैया, बोल। ठीक है, न्यूनतम दूरी को कोई जरूरी थोड़ी है भैया। अगर सपोज मान ले यहाँ पर ए है और बी है ना, तो मतलब यहाँ पर सी, ये सबसे कम दूरी है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, फिर क्या है? आप डेफिनेशन जो बोल रहे हैं थोड़ा सा सही से बोलिए, हिंदी में ही बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं सबसे न्यूनतम दूरी को। न्यूनतम दूरी तो भैया बहुत कुछ है ये नहीं है, न्यूनतम दूरी मतलब सबसे कम दूरी तो बहुत कुछ है, लेकिन किसके बीच में कैसा है कुछ डेफिनेशन। हाँ ठीक है, ये स्केलर होगा, ठीक है, ये वेक्टर होगा, पहला हो गया। ये हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चार चार पॉइंट करके लिखवाया था अलग अलग, ये किसको भैया, ये तो तुमने बता ही दिया, डिस्टेंस स्केलर और वेक्टर में ही समझ में आ जाता है कि भैया डिस्टेंस जो है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दिशा को कैसे, ये डिस्टेंस दिशा को थोड़ी बताया, डिस्टेंस लेंथ को बताता है भाई, जितना आप लेंथ कवर करोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। ये मत लिख देना कभी कि ये दिशा को सूचित कर, गलत नहीं। और किसी का कोई दो बार उठाया, समय सीमा भैया खत्म, पूरी बैठ गई। हाँ एक चीज और, जो दोबारा बोला गया उसको छोड़ के अब दूसरा कुछ बोल रहा है। हाँ हाँ तीन, एक अब तो ये तो तुमको पता चल गया होगा, नहीं ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है भैया। अब ये कोई ये नहीं बोलेगा तो गेम, अब एक बार तो बोल दिया है, ये चीज गेम गेम होता है भैया, रूल के हिसाब से तीन आराम से छ सात बोल सकते हैं, तो कोई तीन बोल रहा है। ठीक है, पांच डिपेंडेंट है, ठीक है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे, वो कैसे रह जाएंगे उसके अलावा बोलिए ना, कम से कम दो तो बताओ, दूसरा क्या है? इसके अलावा अब दो को हो गया है, अब जो बताएगा भैया वो दो पॉइंट्स आपको नहीं बताना पड़ेगा अभी ऊपर, फिर भी है, बोलिए होगा, बोलिए बोलिए। मतलब भैया ये एक चीज याद रखिएगा, ये स्केलर और ये वेक्टर ये बिल्कुल नहीं बताना है। अब ये पाथ और पॉइंट ये भी नहीं बताना है किसी को, बोलो कौन कौन डिस्टेंस भैया क्या नहीं, एक मिनट धीरे से, पहले धीरे से बोल, हम समझ में आ रहा है। अरे भैया फड़फड़ा, धीरे से बोल,
पहले डिस्टेंस क्या बोला, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हाँ, और निगेटिव और जीरो नहीं होता, ठीक है। आगे ओके, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी। और बोलिए, मतलब तीनों एक ही तो चीज एक ही लाइन में बताना चाहते हैं, ये तो गलत, एक ही तो पॉइंट है, नहीं ये तो एक ही तो पॉइंट होगा। हाँ बोल सकते हैं, मीटर, इसका भी मीटर ही हो, और ये आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो हो गया। और बोलो तो क्या दिक्कत है, ये डिफरेंस क्या चीज, अब हम नहीं बोले तो गलत बात किसका है, आप बोले समानता हो रहा है, नहीं बोले, बोलिए। और बोलिए एक और है, एक और है, दो हो गया, एक और, हाँ तुम कितना बोल रही, एक के को बोल रही, दो बोलो ना, तुम कितना बोलो ना, एक के को बोलो, दो बोलो, इसके अलावा, बोल भैया, बैठ जा, देख जा, भैया ठीक है, सुन लो, सुन, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी भी मतलब डिफरेंस बोला जाए, ये सबसे पहला कंडीशन, ये जो आपने बताया ना, सबसे पहला कंडीशन, आप इसका डेफिनेशन सुन लो, दोनों फंडामेंटल है, देखो इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे डिस्टेंस में, कि सर जितना ज्यादा से ज्यादा हम लेंथ को कवर करेंगे वही हमारा डिस्टेंस होगा, और इन्होंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बताया तो वो गलत बताया था, भैया न्यूनतम दूरी होता है लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, वो जो बोल देते हैं ना तो आसान था, न्यूनतम दूरी होता है वो बात अलग, अब किसके बीच का न्यूनतम दूरी होगा वो नहीं पता चल रहा है, भैया आप क्या बता रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसमें, यहाँ पर कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसके किसके बीच का भैया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसी से दूसरा चीज आ जाता है कि अगर मैं इसमें बताया था कि जितना आप ट्रेवल्स करेंगे, मतलब ये जितना चलेंगे, ये जितना पाथ कवर करेंगे वो डिस्टेंस होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड्स है, पाथ के ऊपर, जो आपने पहले बोल दिया, और यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो भैया ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट के ऊपर, कौन कौन से पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ठीक है, इसका वेक्टर है ये भी, सॉरी स्केलर और वेक्टर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है ना, और ये भी क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसको मैंने आपको समझाया था, इसमें निगेटिव नहीं होता और जीरो नहीं होता, ये चीज आपको बताया था, इसका जनरली देखा जाए तो बहुत जगह पे ये ऐसा यूनिट लिखा है, क्योंकि इसमें हम जो बात करते हैं, भले ही डिस्टेंस भी एक टाइप का लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी भैया एक टाइप का लेंथ है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, और ये भी क्या होगा, मीटर, ठीक है, और डिफिनिशन है, कितना हो गया भैया, पांच हो गया, और इसके अलावा तो पता है, इसके अलावा और कुछ बता सकता है कोई, भैया ये भी क्वेश्चन किसी के नाम नहीं रहा, सुन लो, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको क्या बताना है, इसमें ऑब्जेक्टिव में टिक करना है, मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन भी आप दे देंगे, तुक्का मारना, ये सब हाथ खड़े कर लेगा, बोलेगा ए बी जय सी आर बी हो, पर ये सब था नहीं, इसमें
क्रांति किया, तुक्का मारने में ये बहुत एक्सपर्ट है। चलिए इसके बाद भैया सुन लो, इसके बाद देखते हैं भैया आपका इसी चैप्टर से, मोशन वाले चैप्टर से ही मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है, आपसे का क्वेश्चन ये है, सुन लो भाई सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी पता है ना और टाइम वर्सेस, अगर आपका कोई ग्राफ है, क्या दिया है ग्राफ दिया हुआ, तो मुझे इस ग्राफ का स्लोप क्या बताए। ये ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है आपका एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है आपका, ये यहां पर डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन है, ऑप्शन सी आपको दिया स्पीड एंड ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। कोई और, एक दो तीन चार पांच, हाँ पहले तुम बोलो भैया। आपका ये बोला है टाइम यहां पर है, वेलोसिटी ये है ना। अब मान ले यूनिफॉर्म ही है फिलहाल, कोई भी कंडीशन में यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, जब भी हम इसका स्लोप निकालते हैं ये हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होगा टाइम। ठीक है भैया, इसमें आप तीनों का नाम है जे, हमारा क्या नाम है बी, बी हमारा क्या नाम है बी, और तुम्हारा क्या नाम है, मतलब विकास जी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, चलिए ऑब्जेक्टिव में भैया सबका नाम आएगा टेंशन। तो इसमें समझ गए होंगे ये ग्राफ कैसा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर भैया, हाँ पीछे से कोई चोरी उरी का नाम भी ले रहा है भैया, कहाँ से देख रहे हो आप लोग, सुन लो। हाँ इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सुनिएगा ये एक न्यूमेरिकल्स के हिसाब से आप कॉपी पे सॉल्व करके उसका आंसर बता सकते हो, है ना, और फिर देन उस पर हम आगे की तरफ आए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सपोज मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा भैया, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू जो है आपको दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है भैया, कितना दिया है 25 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये भाई यहां से यहां तक जब भैया कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा है ना, कुछ टाइम में, तो टाइम जो है उसके पास वो 30 मिनट के अंदर में, कितने मिनट में भैया 30 मिनट में उन्होंने अपना वेलोसिटी जो फाइनल कर लिया है वो 50 किलोमीटर पर आवर कर लिया है। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कितना होगा, भैया कोई एक ऑब्जेक्ट है इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अब देखो और टाइम 30 मिनट, आधा घंटा के अंदर में उन्होंने अपना वेलोसिटी कितना कवर किया भैया, आगे इंक्रीज किया है 50, 25 से कितना 50, तो आपसे पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा।
एक मिनट भैया। हाँ पहला रुझान आना चालू हो भैया। कितना है नाम क्या है? राजन। राजा भैया, राजा जी का आंसर है 1.6। वही है ना, यही है ना। चलिए यूनिट क्या होगा भैया? आपको जो भी आंसर देंगे भैया पर्टिकुलर भैया हर चीज देखिए यूनिट भी क्या होगा वो भी, अगर गलत होगा तो फिर दिक्कत है। हमें तो ये पता चलना चाहिए ना कि आप कौन से यूनिट्स में इसको सॉल्व किए। मीटर पर सेकंड में, तो 1.6 मीटर पर सेकंड। आपको लग रहा है कि एक्सेलरेशन का यूनिट है? एक्सेलरेशन का यूनिट कितना हो, क्या हो? एक्सेलरेशन है त्वरण है भैया, त्वरण पता है ना ये भैया। एक्सेलरेशन का मतलब यहां पर त्वरण की बात कर रहा हूं। त्वरण का यूनिट कितना होता है? तुम क्या निकाले इसमें? मीटर पर सेकंड निकाले कि क्या निकाले? बस ये आपका आंसर है। लेकिन कहने का मतलब ठीक है, मैं पहले ही आपको बताता हूं आपका आंसर गलत। चल आगे बोल। 200 क्या? 40,000 मीटर। अरे विकास जी आपका 40,000 है। 1, 2, 3 मीटर और सेकंड। ठीक है देखते और किसी का। और किसी का आंसर है? बोल भाई किसी का और कुछ आया आंसर? 320 ज्योति का आया है यहाँ पर। 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अभी तक किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक पहला आ गया 1.6, ये तो हम पहले ही खारिज कर रहे हैं। दूसरा 40,000 है और 320 है। और किसी का भाई? अरे बात, क्या नाम है भैया? सुभाष जी। सुभाष जी का 50 के मीटर पर सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या नाम है भैया? अर्जेश जी का आया है 1 मिनट, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना बार को चालू किया? नहीं तुम्हारा एक सेकंड 740 मीटर। और किसी का? 25 मीटर पर सेकंड। भाई साहब मतलब एक ही क्वेश्चन से भाई कितनी तरह से जान लोगे? एक ही हो गया यार तुमने। यार यहाँ पर पता चल रहा है सबको दे रहा हूँ सॉल्व करें, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। भाई देख यहाँ पे भाई एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अरे भाई नहीं हमको कुछ करना ही नहीं था, आप पता है क्यों कहाँ पर फंस गए? क्वेश्चन सुन लो, सुनिए देख। हाँ क्या यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर? मीटर पर सेकेंड। आपको इधर देखो ए, हाँ देखिए सुनना इधर देखो। अब क्या है भैया आपको एक्सेलरेशन निकालना है ना? आपका इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है भैया? 50 है और ये कितना है? 25 है। बट टाइम देखिए, टाइम जो है सुनो, टाइम किस में दिया है? 30 मिनट में है। और भैया मिनट्स को जब आप आवर्स में चेंज करते हो तो डिवाइड करना पड़ता है किससे? 60 से, है ना? तो क्या हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे ये कितना होगा? 2 कट जाएगा, मतलब 1/2 होगा। और ये कितना होगा भैया? 25 और 2 ऊपर कर दें कितना होगा? 50 किलोमीटर पर आर के स्क्वायर। अब भैया एग्जैक्टली अगर आंसर बात करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आर के स्क्वायर होगा।
ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में निकाल के दिए हमें, अरे दिए है ना, थोड़ा सा हम इसको भी चेंज करके देख लेते, इसमें भी आपका निकाल के देख लेते भैया। अगर मैं सुन लो, इनिशियल ए इनिशियल वेलोसिटी कितना भैया 25 है, तो 25 को अगर मैं किससे 1000 बट्टा में कितना होगा 60 गुने में 60 होगा, तो 1212 कट जाएगा है ना भैया, इसको कट कर दो, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6 सही है ना, तो 25 × 5 कितना होगा 125 बट्टा में कितना होगा 18, ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। और बी बी कितना है भैया 50 है ना, तो यहाँ पर भी कितना होगा 1000 बट्टा में 60 गुने में 60 हो जाएगा, तो 1212 कट जाएगा, यहाँ पर देखो इसको कट करते भैया 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 25 × 2 = 3 तो यहाँ पर कितना होगा 25 × 5 = 125 बट्टा में कितना होगा 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखो टाइम जो है भैया, टाइम कितना है 30 मिनट है, तो इसको अगर मैं सेकेंड में मल्ट करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 × 3 = 18 1800 सेकेंड आएगा, कितना आएगा 1800 सेकेंड। अब भैया सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, देख रहे भाई, अरे हाँ टाइम कितना है भैया 1800 ए टाइम कितना है 1800 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना होगा v माइनस में u बाई टी, तो देखो v कितना है 125 बटा 9 माइनस में 125 बटा 18 बट्टा कितना होगा भैया 1800। सुनिएगा भैया ऊपर में एलसीएम 9 और 18 के एलसीएम मेरे हिसाब से 18 ही होगा है ना, तो 9 दूना तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 250 माइनस में कितना होगा 125, और क्या मैं इंटू में 1800 ऐसे लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं ना भैया, देखो 250 में से 125 चले जाएगा कितना होगा पक्का 125 होगा, और बट्टा में कितना होगा 18 गुने में 18 तो भैया 100 यही है ना, कटेगा क्या 5 से कट करके देखते भैया 25 × 5 = 125 और 25 × 4 रुको ना रुको ना भैया 25 × 5 = 25 आ जाएगा है ना। अब खुद देख भैया 5 बट्टा में कितना है 18 × 18 × 4 मतलब पॉइंट्स में आएगा भैया, एक तो सबसे पहली बात राजा जी आपका पहले ही गलत है, विकास जी आपका गलत है और ज्योति तुम्हारा भी गलत है, 50 के मीटर पर सेकंड² बोला था किसी ने 50,000 ये भी गलत है, वर्जेश जी 2 मीटर पर सेकंड² ये भी गलत है, रवि का 25 मीटर पर सेकंड गलत है, हाँ थोड़ा सा इस पे मंथन किया जा सकता है ना, क्योंकि पॉइंट्स में किया जा सकता है ना भैया, फिर भी गलत है क्योंकि आप खुद देखो ऊपर कितना है नीचे कितना है, जो पॉइंट्स आएगा 0.000 के समथिंग में आएगा, आएगा ना भाई है ना, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो 5 × 18 × 18 और गुने में 4 इसके हिसाब से बात करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वैसे निकालेंगे तो कितना आता था भैया 50 किलोमीटर पर आवर, समझे। आप देखो ना इसको भी अगर चेंज करोगे इसमें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, तो भैया 50 है ना तो किलोमीटर तो 1000 होगा भैया, यहाँ पर कितना होगा 60 × 60 लेकिन स्क्वायर है भैया, स्क्वायर करना पड़ेगा ना 4 बार करना पड़ेगा, कितनी बार 4 बार, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा, अरे हाँ नहीं गलत आ रहा था कुछ यार, 6 × 6 = 36 और गुने में 36 बट्टा कितना है 5 सही तो है 18 × 36 वही आ रहा आ रहे वही भैया, आप सबका आंसर गलत था, इसमें नॉर्मल था क्वेश्चन से भैया इसको ही सॉल्व कर पाते हैं क्या, हर खराब मत देखो एक हो गया हो गया पूरा नींद नींद पूरा हो गया, चलिए Thank you.
चलो अगला क्वेश्चन भैया, मुझे कोई भी मुझे आप में से कोई भी वर्क का डायमेंशन बताइए, जल्दी बताइए। वर्क मतलब भैया कार्य होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताइए। वर्क मतलब कार्य है, कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। एक मिनट, m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर माइनस 2, ये तुम्हारा लग रहा है कार्ज का है ना, गलत है भी। m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर माइनस 2, विचार करेंगे इसके ऊपर थोड़ा बहुत। m के पावर 1, L के पावर 2, माइनस 2, इस पे तो बहुत अच्छे से विचार किया जा सकता है। लेकिन भैया तुम जैसे ही M के पावर 0 बोले ना, हम बोलने गए और किसी का निकाला का M के पावर 1, L के पावर 2, माइनस 3, ये सबसे पहली बात ये गलत है। एम के पावर 1, तुम्हारा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एल के पावर 1 है, टी के पावर माइनस, और किसी का। चलो भैया देखो, ध्यान से देखिएगा भाई साहब, कार्य जो होता है सुन लो, ये क्या होता है, बल गुने में विस्थापन होता है, सुनिएगा, क्या होता है कार्य, बल गुने में विस्थापन होता है। भैया बल जो है, बल मतलब फोर्स, क्या होता है फोर्स की बात करते हैं, ये क्या है फोर्स है, और गुने में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो भैया बल गुने में विस्थापन मतलब फोर्स गुने में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को आप कैसे मेजर करते हैं, तो भैया द्रव्यमान गुणे में एक्सेलरेशन होता है ना, तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है केजी होता है, एक्सेलरेशन के लिए कितना भैया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा मीटर होगा। भैया जब इन सबको मैं कंबाइन कर देता हूं तो क्या आता है केजी मीटर का स्क्वायर अपॉन में कितना होगा सेकेंड का स्क्वायर। देख भैया केजी के लिए हम क्या यूज करते हैं एम, मीटर के लिए एल के पावर में 2 है, नीचे में सेकेंड है तो टाइम के पावर 2, इसको डायमेंशन ही लिखना है तो एम एल के पावर में 2, टी के पावर में माइनस 2, मतलब भैया ये सही है, समझे। बाद बाकी आप जितने भी बोले थे भैया सब गलत है, किसका है जो और समझे। भैया किसी ने माइनस 3 बोला होता है यहाँ पर, ये जो माइनस 3 किसका यूनिट है पता है, पावर का, मतलब शक्ति का है, समझे, इसका यूनिट है वो पावर शक्ति का। जादू बोलो, अच्छा अच्छा ये जो आप बोले हुए थे भैया ये किसका यूनिट हो जाएगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि एक सेकेंड हट गया है तो F इंटू में V है, मतलब ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और इंटू में क्या है मीटर, सॉरी 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 नहीं नहीं नहीं
कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी बनेगा ही। भैया इसका आंसर ये है, ये आपका थ्री। उसके बाद बात करते हैं आगे, टाइम हो गया क्या? ठीक है, ये इसमें से अगर देखा जाए, आप खुद देख लीजिए, विकास जी एक बार, रवि एक बार, इसमें अगर देखा जाए तो विकास एक बार है, मतलब दो बार विकास का वो वोटिंग है और परवेश का एक बार है और ये क्या है दिनेश और ज्योति, ज्योति का दो बार है एक यहाँ पर, मतलब ये गेम क्या हो गया, टाई हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है पता है, इलेक्शन फिट कहाँ से स्टार्टिंग से, कुर्सी किसी को नहीं मिले लोग है ना, कुर्सी किसी को मिला क्या, बराबर हो गया ना भैया। तो उसके लिए अब कुछ दिन के लिए इस पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो भैया हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे है ना, और फिर ऐसे ही मौका मिलेगा तो ऐसे कुछ दिन कर लेंगे है ना। उससे भैया आपका कभी कभी एक चीज बता देता हूँ, आपको अगर कोई भी सिलेबस है, मैथ्स हो फिजिक्स हो जो भी आप पढ़ते हैं ना, जब आपको पूरा सिलेबस को प्रैक्टिस करना हो तो मैं एक चीज बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूँ भैया, आप इसको थोड़ा सा एक बार अप्लाई करके देखिएगा। कुछ नहीं करना है, आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निकालिए और लगाना तो आसान हो, मत कुछ कीजिए, मत नोट पढ़िए कुछ नहीं, आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ उस चैप्टर का 50 को लगा दिए ना, उस चैप्टर पूरा एक बार में रिपीट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वो दम कम दिया कि आपको वहां तक पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जितना पढ़ेंगे जितना सॉल्व करेंगे आपका इम्प्रूवमेंट मतलब जो रिवीजन है उतना ज्यादा होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका टेस्ट है, टेस्ट आपका वैसे भी चला आएगा, नीचे से स्टार्ट हो चुका है टेस्ट, इसमें भी भैया हो सकता है एक से दो दिन के अंदर में मैथ्स और फिजिक्स का दोनों टेस्ट किया जाएगा, आपका मैथ्स ही फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा 15 तारीख के अंदर तक में, और बायो का भी इस 15 से के अंदर तक में आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इन सब का टेस्ट हो जाएगा। नीचे हिंदी मीडियम में टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, देखते हैं चलो।